जय दोस्तों, मैं सन्नी सर, सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। चलिए, हम लोग एज पढ़ रहे हैं। एज का बुक सॉल्यूशन चल रहा है, थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है और हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं। लास्ट पार्ट है आज, है जो हमारा एज है जो फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए तो यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर कहाँ से 24 से चलेंगे। आर एस अग्रवाल थ्री राइटर का बुक है जिसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको देखेंगे, आंसर मार देंगे, दो सेकंड का चीज है लेकिन फिर भी सीखेंगे। अभी कह रहा है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 होगा। यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो तो शादी कितने वर्ष पहले हुई थी। सीखेंगे, डायरेक्ट आंसर कर देंगे लेकिन अभी सिखा रहे हैं, ध्यान दें। सीखेंगे कि पति है, ऐसा क्वेश्चन बनाया परीक्षा में नहीं जाता, डायरेक्ट आंसर मार देते हैं, लेकिन सीखना है। 4:3 के अनुपात में करा, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाता है, ध्यान देंगे। यहाँ दोनों में पति पत्नी में कितना एज में अंतर है, 1 का, यहाँ 2 का, गलत है। तो नीचे का अंतर समान करने के लिए नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना करते हैं। ऊपर में 1 का अंतर है, 1 का ना है, तो नीचे 1 से गुना करें या ना करें बात बराबर है। नीचे में कितना अंतर है, 2 का, तो ऊपर में 2 से गुना कर देंगे, तो गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ भी गुना, यहाँ गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ करा 4 वर्ष, ध्यान देंगे, 4 वर्ष बाद ऐसे हो रहा है ना, सीखेंगे। करा 4 वर्ष बाद ऐसे हो रहा है, यहाँ के वर्ष बाद हो रहा है, देखिए 8 से हो गया 9, 6 से हो गया कितना 7, 1 वर्ष बाद ऐसे हो रहा है। बाद की तुलना बाद से, जिसको निकालना उसको गुना। अगर पति के एज निकालना है तो कितना हो जाएगा, 8, 32 हो गया। अगर पत्नी के निकालना है तो कैसे गुना हो जाएगा, 6 से 6, 24। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, डायरेक्ट आंसर होगा, 1 सेकंड आंसर होगा, सिखा रहे हैं अभी हम। आप ध्यान देंगे, कह रहा है कितने वर्ष पूर्व है जो पति पत्नी का एज कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, इतना कह रहा है, कितना हो जाना चाहिए शादी, कह रहा है यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो, 5:3 क्या हो, सॉरी 5:3 हो, तो 5:3 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज हो गया 32 - x बटा हो जाएगा 24 - x बराबर 5:3 ने दिया हुआ था। देखिए 32 दिया करेंगे 96, 24 + 120 से ही कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 12 वर्ष, आंसर x बराबर 12 आंसर हो गया। अब बोलिए सर इतना करना इतना नहीं करना, डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे, जो सीखेंगे अब, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब सीखेंगे, ध्यान देंगे। जैसे बताया हुआ क्वेश्चन नोट्स में भी बताए हैं जी, नोट्स में भी क्वेश्चन है जो बताया हुआ, ध्यान देंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे सीखेंगे। देखिए डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, देखो एक व्यक्ति तथा पत्नी की आयु का अनुपात, यहाँ अंतर इतना है, यहाँ अंतर 2 का अंतर हो गया, तो इसको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसमें 2 का अंतर तो 8 हो जाएगा, आई 6 हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे, तो ये हो गया 8 से हो गया 9 हो गया 6 से हो गया, 1 का अनुपात कितना है, 1 का अनुपात है 4 वर्ष, यही ना है, तो हम चाहेंगे तो 832 इसका एज हो गया, 832 हो गया ना, 6 से 24 प्रेजेंट में इसका एज हो गया, कितना घटा देंगे, हमको 5:3 आना चाहिए, तो देखें अगर हम 8 घटाएंगे तो 5 की गुणज नहीं आएगा, कट हो गया, अगर 10 घटाएंगे तो 22 ना होगा, यानी 5 से गुणज नहीं आएगा, 12 घटाते हैं तो आ जाते, देखो 12 घटाते हैं तो 20 हो जाता है, 12 घटाते हैं तो 12 होता है, तो कटता है, देखिए 4 + 12, 4 + 5 = 20, 5:3 आ गया, तो हमारा आंसर, डायरेक्ट आंसर हिट कर देंगे। इसको और भी शॉर्ट बताए हैं तो थ्योरी पार्ट देखिए, थ्योरी में बताया हुआ है, आप बुक सॉल्यूशन करा रहे हैं, आंसर समझ गए होंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे। कह रहा ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है तथा बी की आयु सी की आयु से दुगनी है, बहुत अच्छा, यदि ए बी सी की आयु का जो 27 वर्ष हो तो बी की आयु क्या है। कोई बात नहीं, सीखेंगे, ए बी सी है, सिंपल क्वेश्चन है, ए है सीखेंगे बहादुर, बी है सी है। कह रहा ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, चलिए आगे, बी की आयु जो है सी से दुगनी है, बी की आयु जो है सी से दुगनी, अगर ये एक्स है तो 2x हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, इससे 2 साल बड़ा है, तो 2x + 2 हो जाएगा, सबके जोग दिया हुआ है 27, कितना दिया हुआ 27, देखिए सीखेंगे, ई जाके 2 घट जाएगा, 25 बच जाएगा, आई होगा 2x 2x, 5x ना हो जाएगा, 5x बराबर हो गया 25, यानी x बराबर कितना हो गया, x बराबर का 5 होगा, क्या निकालना कहता है, तो b की आयु, तो b कितना है, यही ना है, b आपका यही ना, तो 5 × 10 हो जाएगा आंसर, ये समझ में आ गया, b की आयु यही ना है। डायरेक्ट भी आंसर अब हीट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आंसर चाहेंगे तो हीट हम कर, देखिए हम डायरेक्ट बताते हूँ, सीखेंगे डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट आंसर कैसे करें, ध्यान देंगे, डायरेक्ट आंसर
कह रहा बी की आयु सी की दुगुना है, अगर एक है तो दो है। अब हमको निकालना है किसका, बी का ना है, तो बी का दो का मल्टीपल कौन इसमें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, डायरेक्ट आंसर हिट कर देंगे। बिना बनाए हुए आंसर भी हम हिट कर सकते हैं, समझ में आ गया। चलिए एक बार और देख लीजिए, बिना बनाए हुए कैसे हिट करेंगे, ध्यान देंगे, छोड़ दीजिए। कह रहा है कि बी के जो आयु है, बी की आयु सी की दुगनी है, अगर सी एक है तो दो है, यानी जो भी प्राप्त होगा दो का मल्टीपल होगा। तो दो का मल्टीपल है नहीं है, दो का मल्टीपल है नहीं, दो का मल्टीपल है नहीं है, दो का मल्टीपल है नहीं है, यही मल्टीपल हमारा आंसर डायरेक्ट हिट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर हिट कर देंगे बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कह रहा है एक वर्ष पहले प्रीति की आयु सोनल की आयु से चार गुनी थी। एक वर्ष पहले, एक वर्ष देखो, एक घटा देते हैं, एक घटा देते हैं, चार गुना है नहीं है, मान लीजिए घटा दे, एक घटेगा ये कितना बचेगा, आठ बचेगा, इसका चार गुना है नहीं है, चार गुना होना चाहिए। ई घटावेंगे तो है नहीं है, ई घटावेंगे तो है नहीं है, इसमें एक घटा देंगे तो तीन हो जाएगा, ये बारह हो जाएगा, इसका चार गुना है, देखिए ये आंसर हो गया। इन्हें कह रहा है प्रीति के जो आयु है सोनल की आयु से चार गुना, कब, एक वर्ष पहले, तो एक घट गया तो तीन बच जाएगा, बारह बच गया, तीन चौके बारह, चार गुना है, बिना बनाए हुए आंसर कर देंगे। लेकिन बनाएं कैसे, जो देखेंगे जब भी एग्जाम में बनाएंगे तो डायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन से ही। अब मैं बता देता हूँ, ध्यान से सीखेंगे। कह रहा प्रीति की जो आयु है, प्रीति के जो आयु है सोनल की आयु की चार गुना है, सोनल की आयु की चार गुना, एक है तो चार है, के वर्ष पहले, एक वर्ष पहले कह रहा है। अब कह रहा छः वर्ष बाद प्रीति की आयु सोनल की आयु से नौ वर्ष क्या है, अधिक है, चाहे नौ वर्ष पहले अधिक रहे बाद में अंतर सदा समान रहता है, अंतर सदा समान रहता है। तो इसका अगर हम ध्यान दें, अंतर यहाँ कितना के है, नौ साल का ना है, आहे अंतर कितना का, तीन साल के, अंतर के तुलना अंतर से जिसको निकालना सुना, प्रीति निकालना था कितना, चार से गुना, चार से निकला कब एज हुआ, एक साल पहले, तो आज प्रेजेंट में इतना एज हो जाएगा, वही होगा अंतर के तुलना अंतर से जिसको निकालना है सुना, क्या निकल गया, सोनल ना, सोनल निकला कब, एक साल पहले, तो प्रेजेंट में जब एक साल बढ़ेगा नीचे आएगा, कटता है तीन तिया के नौ, तीन सौ बारह एक तेरह हो गया, तीन तिया नौ, तीन एक कितना हो गया, चार ना हो गया, यही तो आंसर आ रहा था। तो बना के भी जा सकते हैं, लेकिन बनाना एग्जाम में नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर करना है, समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए बहादुर, कह रहा प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर बच्चा पैदा हुए, पांच बच्चों की आयु का जो 50 वर्ष है, इनमें सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। चलिए सीखेंगे, कोई बात नहीं, सीख लेंगे बहादुर। सबसे पहले तो कि पांच बच्चा है, मान लो कि पांच बच्चा ए है, सिखा रहे हैं, लिखना नहीं है, डायरेक्ट सीख, बी है, सी है, डी है, और ई, पांच बच्चा यही मान लो होगा। अगर एक्स होगा तो तीन साल बाद ही पैदा लिया तो एक्स प्लस थ्री होगा, इसके तीन साल बाद ही पैदा होगा तो एक्स प्लस छः होगा, इसके तीन साल बाद ही पैदा हुआ तो एक्स प्लस नाइन होगा, इसके तीन साल बाद पैदा लेगा तो एक्स प्लस बारह हो गया, और सबके जो कितना दिया हुआ है 50 साल है, इस सबके जोड़ दीजिएगा तो कितना मिलेगा 50 साल मिलेगा, कितना मिलेगा 50 साल, जोड़िए 12 नौ 21, 21 छः कितना हो गया, 21 छः 27 तीन 30 ना हो गया, 30 घट गया तो 20 बच जाएगा, नहीं समझ में, छोड़िए एक से और बता देते हैं, एक लाइन बढ़ा देते हैं, नहीं समझ में आया तो एक लाइन बढ़ा देते हैं बहादुर, सीखेंगे। इधर होगा एक दो तीन चार, पाँच एक्स ना हो गया, पाँच एक्स प्लस हो गया 30, 30 से बराबर कितना हो जाएगा 50 हो गया, ये पड़ जाएगा घट जाएगा, यानी 2x बराबर घट जाएगा तो 20 ना बच जाएगा, पाँच हो जाएगा, पाँच हो के 20 हो जाएगा, चार ना हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया। तो निकालना क्या है, तो सबसे छोटे का भी, सबसे छोटे का भी x से ना है, चार से आंसर हो जाएगा। जैसे बिना लिखे हुए भी इसको हम बना सकते हैं, बिना लिखे हुए हम भी बना सकते हैं, पहला कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे डायरेक्ट ये जोड़ छोटी नौ दो अठारह, अठारह बारह जोड़ के घटा देंगे, आंसर मेरा अपने आप आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ निश्चित अंतराल पूछ रहा है इसलिए इसका ज्ञात नहीं हुआ, कहा जो ध्यान देंगे सीखेंगे। कह रहा है ए जो है बी से उतना ही छोटा है, यानी बी छोटा है, सॉरी ए छोटा है, ए जो है बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा है, सी से कौन बड़ा, ये बड़ा है ना, कह रहा सी समझिए, ए जो है बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा, सी से बड़ा हो गया। अब करेंगे ध्यान देंगे इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा, टू ए ना हो जाएगा, टू ए बराबर आपको हो जाएगा बी प्लस सी, अब बी प्लस सी के वैल्यू दिया हुआ है कितना है 50 साल दिया हुआ, क्या दिया हुआ 50 साल दिया हुआ है, तो टू ए बराबर हो जाएगा 50, ए बराबर कितना आ गया 25 साल आ गया, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 25 साल हो गया, ध्यान देंगे ए बराबर कितना आ गया 25 साल आ गया। तो निकालना है किसका, तो बी माइनस ए पूछ रहा है, बी माइनस ए, बी माइनस ए हमको ज्ञात कभी होगा, बी चूंकि बी का वैल्यू ज्ञात रहेगा तब हम हटा सकते थे, अगर बी का वैल्यू हमको दे रहा था तो पता चल जाता, लेकिन बी का मान तीन वैल्यू है, तीन वैल्यू में एक के वैल्यू प्राप्त है तो दो वैल्यू आपको ज्ञात होगा, नहीं होगा, हाँ दो वैल्यू ज्ञात होगा तो तीसरा घटा का आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ए तथा बी की आयु का योग, चलिए क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे आंसर होते जाएगा। ए तथा बी का आयु का योग करा, ए तथा बी का आयु का जो योग है बी तथा सी के आयु का योग, बी तथा सी के आयु के योग से ये 12 वर्ष अधिक है, 12 वर्ष बेचारा इसमें जोड़ देंगे तो 12 बराबर हो जाएगा, 12 वर्ष अधिक था 12 जोड़ने बराबर हो जाएगा। अब इसको ये पट लाएंगे ना तो कट जाएगा, यानी ए माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा 12। क्या पूछ रहा है तो ए सी से कितना बड़ा है, तो देखिए ए जो है सी से कितना बड़ा है, 12 से बड़ा है, तो 12 आंसर कर दिया। डेट कहाँ है आंसर है, पहला आंसर कह रहा है ए जो है सी से कितना बड़ा है, तो कितना अंतर मैंने पूछ रहा है, यानी 12 साल का अंतर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे बहादुर, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा ए तथा बी की आयु का आयु क्रमशः 40 वर्ष तथा 60 वर्ष है, कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा या था, सीखेंगे। तो हमको चाहिए ई चाहिए कितना के गुणज में, ए चाहिए 3 के गुणज में, ए चाहिए कितना में 5 गुणज में। अगर इसमें हम 10 घटा देते हैं तो ये 30 हो जाएगा, इसमें 10 घटा देते कितना होता है 50 ना होता है। डायरेक्ट आंसर हिट कर देंगे, बनावे परीक्षा में नहीं जाएंगे, इतना लिखना भी नहीं है। अब बनाएं कैसे जो ध्यान देंगे, इसको बनाएं कैसे, इसका एज है 40 साल वर्तमान में, इसका है 60 साल, यही ना है। करा कितने वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब अंतर, पहले जाएंगे तो घटेगा कि अनुपात कितना हो जाए 3:5 हो जाए, यही ना पूछ रहा है। 40 पचे के 200 180 हो गया, यानी घट के कितना हो गया 80 ना हो गया, 40 पचे के 280 यानी 20 हो जाएगा, सॉरी कितना 20 ना हो जाएगा घट के, 40 पचे के 200 आ गया 180 आ गया, 200 में से 180 घट गया 20 बचेगा। अब देखो 5x 3x अंतर कितना हो गया 2x का, ये भी शॉर्ट में बताया कि काहे घटता है, का इसको जाके नोट देखिएगा, रेशियो पार्ट देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान देंगे। महेश रमेश महेश तथा अमित की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था, अमित की वर्तमान आयु कितनी है। मैंने बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा अगर एक्स मान के चलेंगे तो बराबर करेंगे, मूल मान के बराबर करते हैं, अगर हम रेशियो से बनाते हैं तो मूल मान को रेशियो के समय में लेकर चल जाते हैं, उसे घर में लेकर रेशियो घर में लेकर चल जाते हैं, ये ना करते हैं। तो अगर हम रेशियो से निकालना चाहते हैं तो 10 वर्ष पूर्व है कितना, इतना ना है, तो 10 वर्ष पूर्व तीनों घटेगा तो दतिया 30 घट गया, 30 घट गया तो 63 ना बचेगा, हाँ जोड़िए कितना होगा 4 3 7 2 9 हो जाएगा। निकालना किसका एज है, अमित का, अमित पूछ रहा ना, तो अमित लास्ट में है, अमित 4 से गुना हो जाएगा तो 9 7 63, ये कब आया है, ये 10 वर्ष पूर्व आया था, 10 साल जुड़ जाएगा ना, तो सच 28 10 38 साल हो जाएगा आंसर, 38 है। ये सब कम समझा रहे हैं चूँकि सारा चीज़ बताया हुआ है, अगर जो विद्यार्थी मेरा नया वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले रेशियो देखिए, रेशियो पर ही पूरा किताब खत्म कर देते हैं, आपको लगेगा कि पूरा किताब पहला के मनोहर पोथी है, बच्चा का जो किताब होता है ना वैसा फील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हम कर देंगे, सीखेंगे लेकिन सीखना भी पहले। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, ठीक है, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा, तो ए की वर्तमान में कोई बात नहीं बहादुर, यहाँ दोनों में अंतर कितना, एक साल का अंतर, यहाँ अंतर कितना का, एक साल का बात, ठीक है। देखो 5 से हो गया 6, 6 से हो गया, एक साल बढ़ गया ना, यानी एक के वैल्यू है 7 वर्ष, एक के वैल्यू कितना है 7 साल ना है, तो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है ए की वर्तमान में, तो यहाँ सीधे 7 से 5, ए 5 से वैल्यू कितना होगा 7 बचेगा 35 साल हो गया आंसर, 35 है कहाँ पे, कैसे बना ध्यान देंगे, बनाएं कैसे जो ध्यान देंगे। करा ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है 5:6 है, 7 साल बाद इसका अनुपात कितना हो रहा है 6:7 हो रहा है, देखिए एकांतर है, एकांतर कोई बात नहीं है, यहाँ कह रहा 7 साल बाद हो रहा था, यहाँ कितने साल बाद हो रहा है 5 से हो गया 6, 6 से 7, एक साल बाद हो रहा है ना, बाद के तुलना बाद से जिसको निकालना सुना क्या निकालना है, निकालना ये क्या है, तो कैसे गुना करें 5 से कर दें तो 7 5 35, तो इतना भी नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर कैसे करना है ध्यान देंगे, 5 यहाँ अंतर एक का है, यहाँ देखो कितना है 5 से हो गया 6, 6 से हो गया 7, एक का वैल्यू यानी एक के वैल्यू है 7, एक के वैल्यू 7, तो 5 के वैल्यू 35 हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, बिना लिखे हुए कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल लेकिन क्वेश्चन है। सचिन जो है राहुल से 7 वर्ष छोटा, यानी सचिन छोटा हो गया, यदि उनकी आयु का अनुपात इतना ना है तो यहाँ छोटा है 7 साल, यहाँ छोटा है कितना है 2 साल, छोटा का तुलना छोटा के, अंतर का तुलना अंतर से, जिसको निकालना सुना किसका निकालना है, तो सचिन की आयु, सचिन तो 7 से हो जाएगा ना, 7 7 49 का मतलब 24.5 साल हो जाएगा है, इसमें इनमें कोई नहीं आंसर आ जाएगा, बन जाएंगे, बन जाएगा 24.5 में होगा 49। यहाँ ध्यान देंगे सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर देखो, देख सॉरी
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर करेंगे इसको, वीवीआई कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर होगा, एक सेकंड में आंसर होगा, एक सेकंड में मैंने वादा किया हूं तो एक सेकंड में आंसर करूंगा, सीखेंगे। कराइए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, ए बी से 4 वर्ष बढ़ा है, कितना बढ़ा है 4 वर्ष बढ़ा है, यानी ए का वैल्यू 4 साल है, ए का वैल्यू 4 साल है, तो 4 साल बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात निकालना था, 6:7 ना है वर्तमान में, कितना है 6:7, सीखेंगे, डायरेक्ट आंसर होगा 6:7 है, यानी एक अनुपात बढ़ते हैं तो 4 साल, 4 साल बढ़ते हैं तो एक अनुपात, कितने साल बाद पूछ रहा है, 4 साल बाद, 4 साल एक बढ़ जाएंगे, इसमें एक बढ़ा दीजिए, इसमें एक बढ़ा दीजिए, कितना होगा 8:24, कितना हो जाएगा 7:8, आंसर कहाँ पे है 7:8, नहीं है दिन में कोई नहीं आंसर आएगा, डी हो जाएगा, समझ लीजिए, फिर समझिए, डर एक सेकंड में आंसर आप कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, सीखेंगे, डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, यहाँ 1 साल का अंतर है, यहाँ 6 साल का अंतर है, 4 से, यानी एक का रेशियो कितना है 4, यानी एक रेशियो बढ़ते हैं तो 4 साल बढ़ते हैं, 4 वर्ष बढ़ते हैं तो एक रेशियो बढ़ते हैं, तो 4 साल बाद पूछ रहा था, 4 साल बाद एक रेशियो बढ़ जाएगा, तो 6 से हो जाएगा 7, और 7 से हो जाएगा 8, आंसर हमारा हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, अब बनाएं कैसे जो सीख लीजिए, बनाएंगे कैसे जो सीखेंगे, सीखेंगे बाद ध्यान देंगे, ए तथा बी, ध्यान देंगे ए तथा बी के अनुपात 6:7 है, अब कितना बड़ा है 4 साल बड़ा है, 4 साल तो बड़ा अंतर के तुलना, यहाँ एक का अंतर है, अंतर निकालना है तो इतना गुना, अंतर के तुलना अंतर से जिसको निकालना उसको गुना, इतना तो निकल गया, वर्तमान ही निकल गया ना दोनों का, ये दोनों का वर्तमान ही निकल पा रहा है, लेकिन 4 साल बाद पूछ रहा है, 4 वर्ष बाद ए तथा बी, तो 4 वर्ष बाद 4 जुड़ जाएगा इसमें, इसमें भी 4 जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, देखिए 6×4=24 कितना हो गया, 6×4=24 कितना हो जाएगा, कितना जाएगा 24×4=28 आ जाएगा, ध्यान देखिए 7×28 28×4 कितना आ जाएगा 28×4=32 ना आ जाएंगे, 28×4=32 कटता है 7×28 और 8×34 यही ना आंसर वाला आए थे, 7:8 लाया था, तो डायरेक्ट आंसर हिट कर देंगे आप, बिना बनाए हुए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बहादुर। आगे आते हैं, देखिए कह रहा है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु इतना है, ध्यान देंगे यहाँ कितना अंतर, एक का अंतर है, यहाँ अंतर कितना 6 साल बाद इनकी आयु इतना हो जाएगी, कोई बात नहीं है, 6 साल बाद अरुण की इतना हो रहा है, हमको वर्तमान में दिया हो तो इसको वर्तमान में लाएंगे, तो वर्तमान में आएगा तो 20 साल हो जाएगा, अरुण कितना हो गया वर्तमान में 20 साल, अरुण है यहाँ पर कितना वर्तमान में 4, अरुण के तुलना वर्तमान, अरुण के वर्तमान आयु की तुलना अरुण के वर्तमान आयु के अनुपातिक पद से जिसको निकालना उसको गुना, किसको निकालना है तो दीपक की वर्तमान, दीपक 3 से गुना कर दीजिए, 15 साल है इसमें, 15 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन, ध्यान देंगे, डायरेक्ट आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर होगा, समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 इतना है, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होते, यहाँ कितना का अंतर है वर्तमान में, एक का अंतर है इसमें, 2 का अंतर, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो 8 हो जाएगा, इतना समझ में आ गया, आप देखिए 10 हो गया 11, 8 हो गया 9, यानी एक का वैल्यू कितने साल है 3 वर्ष है, 3 वर्ष ना है, तो पूछ रहा आनंद क्या है, आनंद कितना 8 ना है, तो यहाँ 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 साल हो जाएगा, 24 है कहाँ पे, बिना बनाए हुए सबका बिना कलम लगाए हुए आंसर करना है, आप डायरेक्ट आंसर कैसे कर देंगे, ध्यान देंगे आप इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट आंसर हम कैसे हिट करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ 1 साल के अंतर है, यहाँ 2 साल का अंतर है, अंतर सदा समान होता है, इसमें गुना कर दिए तो ये हो गया कितना 5 हो गया, 10 हो गया, ये हो गया 8 हो गया, यहाँ 3 साल का रहा, यानी एक का वैल्यू 3 है, एक का वैल्यू 3 है, तो 8 का वैल्यू कितना होगा 24 होगा, 8 या 24, आप बनाए कैसे जो ध्यान देंगे, देखिए समीर है और आनंद जी हैं, उनकी अनुपात 5:4 है, करा 3 वर्ष के बाद क्या कंडीशन होता है कि एज हो जाता है 11:9 हो जाता है, वर्तमान एज में एक का अंतर है, दोनों में एक का है, तो एक से गुना करें इसमें ना करें, बात बराबर है, इसमें कितना का अंतर है 2 का, तो इधर ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए, इधर भी 2 से होगा, इधर भी 2 से हो गया, यहाँ करा 3 साल बाद ही कंडीशन ऐसा हो रहा था, 3 साल बाद ऐसा अनुपात हुआ है, कितने साल बाद हुआ 10 से हो गया 11, 8 से हो गया 9, 1 साल बाद ना हो रहा है, बाद के तुलना बाद से या दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना उसको गुना, क्या निकालना है तो आनंद की, आनंद वर्तमान में कितना है 8 से गुना कर देंगे, 8 या 24 साल आंसर आ जाएगा, 24 है जी, 24 साल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये खत्म, इतना ही लास्ट है, तो चलिए आज आपको खत्म हो चुका है, एज खत्म हो चुका है, अब जो हम बैच लेंगे वीडियो नहीं लेंगे, हम आपको हम कल बता देंगे, कल या परसों बता देंगे, आज शाम में ही बता देंगे, ठीक है ना, आज लाइव क्लास में पक्का जुड़िएगा, और शाम में बैच लेंगे हम इसका, लाइव लेंगे, बहुत मजा आएगा लाइव लेने में, पूरा 100% है, ऐसा नहीं आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको पिला दूंगा, ये सनी सर की गारंटी है, सही बता रहा हूँ, आपको पढ़ना नहीं पर खाली देखना है वीडियो, अगर 100% नहीं दिमाग में सेटअप हो गया तो हमको बता दीजिए कि सर मैं आप गलत बोले थे, विदा लेते हैं, फिर से इसको पकड़ के रखिएगा, इसमें बहुत जान है, जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं इससे संभव है, बाकी किसी से संभव नहीं है,
विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।